देखिए जायजा। सही है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश आशुतोष। रोज की तरह आज हाजिर हूं आपके लिए लेकर जो रोज लाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। जिस तरह से हम अपने गांव की बात करते तो हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते, इसी तरह अपने शहर को अगर हम छोड़ के कहीं और दूर चले जाते हैं तब हमें अपना शहर अपना गाँव बहुत याद आता है। ऐसे में कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए लेकिन उसकी लगातार कमी होती है और उसी विकल्प को लेकर हम आपके लिए आए हैं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आइए बिना देर किए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, सवार हो जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेस पर और गाड़ी बढ़ाते हैं और रुकते हैं खबरों के एक एक स्टेशन पर। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब मुंबई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के परियोजनाओं के बारे में जमकर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश के सबसे बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी यूपी की तस्वीर बदलने वाली है। बात इंडस्ट्री की हो, मेट्रो बात की भी हो कि तोशिबा आ रहा है यूपी में, और मुझे कहते हुए कहीं मैं ये भी धन्यवाद दूंगा कि तोशिबा आज से 20-25 साल पहले आया था, वो प्लांट आज भी चल रहा है। मैं दोषी नहीं ठहराता बीएचईएल को इस जगह पर, लेकिन तोशिबा फिर दोबारा उत्तर प्रदेश आ रहा है, इसके लिए सबसे खुशी की बात हम उत्तर प्रदेश के लोगों को है, क्योंकि बिजली का बड़ा प्लांट और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। मेट्रो, लोग कहते हैं मेट्रो बनना चाहिए, शहर में मेट्रो हो। आपने देखा होगा शहरों में जब मेट्रो बनती है क्या क्या होता है, ट्रैफिक कहां से किधर गुजरता है। जो लोग लखनऊ गए होंगे उन्होंने रास्ते में देखा होगा। अगर मैं समझता हूं देश का जो श्रीधरन साहब ने कहा उनको हमने अपने साथ जोड़ा, और उनका भी मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उत्तर प्रदेश से लोग घबराते हैं जुड़ने से, लेकिन श्रीधरन साहब ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है मेट्रो और उनकी राय मशवरा के साथ काम करना चाहता है तो वो जरूर काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि देश की सबसे फास्टेस्ट एवर मेड मेट्रो अगर कहीं बन रही है तो वो उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो भैया यूपी में अभी मेट्रो दौड़ी लेकिन अभी टाइम बा, चलिए आगे बढ़ता नहीं। पंचायत चुनाव की दस्तक होते ही सूबे में यानी यूपी में सियासी माहौल की गर्माहट अचानक से बढ़ गई है। हर पार्टी अपने स्तर पर पंचायती चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में महोबा में कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी को घेरा और चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। अगर जो कोई झूठना पर इसको रचता है दुनिया में, अगर शुरू करे तो उसका पहला जो कार्यकाल है वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। जनाब बहुत गाँव में आपको बोला 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बोला मोदी जी 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो तुम आज बोल रहे हो कांग्रेस की देन है, नहीं तो तुम कभी कितने झूठे आदमी हैं और कितने वादे करे जिसको पूरा नहीं कर सके। घड़ी घड़ी के अंदर आज प्याज का भाव जितना है वो
की दाल का जो कांग्रेस के जो सांसद हैं मिस्त्री जी, वो मोदी साहब को झूठे बोल रहे हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देखकर देश की जनता समझ रही है कि उसके अंदर की जो बुखलाहट है वो किस तरह से अग अलग तरीके से आ रही है। लेकिन अभी चुनाव का मामला है भैया, चलिए बढ़ते हैं। बस्ती में एक भाजपा समर्थित छात्र नेता द्वारा APN PG कॉलेज के एक शिक्षक को धमकी दिए जाने के बाद से शिक्षकों में नाराजगी फैल गई है, रोष फैला हुआ है। नाराज शिक्षक APN कॉलेज के मैदान पर ही धरने पर बैठ गए हैं और आरोपी छात्र नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। छात्र नेता किसी शिक्षक को धमकी देगा तो बाकी शिक्षक नाराजगी व्यक्त करेंगे ही, और यही कारण है कि उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और कामकाज रोक दिया है, क्योंकि उनकी सिर्फ यही चाहत है, यही मांग है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो छात्र नेता है, क्योंकि उसने जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से शिक्षकों के ऊपर छींटाकशी करने का काम किया है, ऐसे में जाहिर सी बात है एक छात्र नेता शिक्षकों को अगर कुछ कहता है तो नाराजगी होगी। शिक्षणेतर कर्मचारी हैं हमारे अजय सर जी, उनके साथ छात्र नेता कुछ अराजक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट का प्रयास किया गया, गाली दिया गया, गाली गलौज दिया गया और अभद्रता की गई, रास्ते में छेड़छाड़ किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, सुनियोजित तरीके से उनको घेरा गया रास्ते में और उनके साथ अभद्रता की गई, उनको मारने का प्रयास किया गया, वो अपने सूझबूझ से बच करके किसी तरह से भाग कर आए। तो महाविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी सारे धीरे धीरे सूचित हुए, महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया गया, पुलिस प्रशासन को भी कहाँ पर भेजी गई अवगत कराया गया, और मांग ये चल रही है कि उसका भी शायद एडमिशन यहाँ निरस्त हो चुका है, तो पुनः एडमिशन उसका ना किया जाए, किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो उसके लिए कर्मचारी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी, और जिले का पूरा महाविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद आंदोलित है, सारे लोगों के संज्ञान में है, घटना बहुत निंदनीय है, के लिए उसकी लड़ाई के लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आह्वान करके और पूरे जिले का कामकाज ठप करवाने की जरूरत हो, चाहे महाविद्यालयों जनपद के महाविद्यालयों को बंद कराने की जरूरत हो। तो छात्र नेता और शिक्षकों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही प्रशासन सुरक्षा को लेकर सजग हो गया है और इसी के तहत आपराधिक घटना पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है अपने तरीके से। जगह जगह छापेमारी कर रही पुलिस ने बांदा में दबिश देकर एक असलहा बनाने वाली फैक्ट्री से भारी तादाद में प्रतिबंधित बोर की राइफल और कारतूस सहित असलहा बनाने का सामान बरामद कर एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो आगामी चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है, ऐसे में असलहे की अब तक 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी बांदा में, एक चौथी फैक्ट्री की सूचना कल मिली थी, तो उस पर दबिश दी गई, तो एक 315 बोर की राइफल मिली है, एक 303 बोर की राइफल मिली है, 4 उसमें कंट्री मेड पिस्टल्स हैं जो पूरे बने हुए हैं, और अर्धनिर्मित जो ट्रिगर्स हैं वो एनविल स्प्रिंग्स और जो भी उपकरण हैं वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं, और इन जो लोगों के द्वारा निर्माण किया जा रहा था इनका आपराधिक इतिहास भी तलाशा जा रहा है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि पहले भी कभी कई वर्षों पूर्व पकड़े गए थे, तो जो फैक्ट्री चला रहे हैं, असलहा बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई करने का भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कभी शराब पकड़ी जाती है, कभी तमंचा पकड़ा जाता है, क्योंकि चुनाव है और पंचायत चुनाव में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है, क्योंकि भैया कहल जाला कि यूपी के जब भी चुनाव होला तो ऐसा तस्वीर खूब सामने आवेला, और यही कारण बा कि हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर बहुत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं, राइफल बरामद किए हैं, तो कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से हर तरह से हथकंडा अपनाते हैं, तैयारी करते हैं ताकि किसी भी सूरत में बस वो सत्ता में आ जाए और उसका जो मज़ा है वो लें और मलाई खाएं। हालांकि इसका जो इफेक्ट होता है, खासकर अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, तो बहुत ही अलग तरीके से होता है, और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम जफर साहब के पास चलते हैं। जफर, ये बताइए कि जो पूरा मामला आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो मुंबई में अगर हम बात करें तो अभी CM साहब आए हुए हैं, लेकिन अगर UP की बात करें तो वहाँ इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं, क्या समझा जाए? जी
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिस तरह एक महिला के साथ उस हादसा होता है, जिस तरह से लोग देवियों की पूजा करते हैं और एक अभियान चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं सरकारी को जो धन आ रहा है, योजनाएं यहाँ पर चल रही है, उनकी घटना आपकी नजर आ रही है ऐसी घटना। कहीं ना कहीं साक्षर नहीं हुई महिलाएं, कहीं ना कहीं आज भी लड़की को अभिशाप माना जाता है, आज भी लड़की उनकी नजर में। लेकिन अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें जफर अहमद साहब, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो जिस संख्या में जिस तादाद में हथियार को पकड़ा है पुलिस ने, आपको नहीं लगता कि वाकई चुनाव के पीछे की जो मंशा होती है लोगों की वो बहुत ही अजीबोगरीब है? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में अगर पुलिस ने पकड़ा है तो बहुत ही खतरनाक मामला है ये। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिला पंचायत चुनाव एकदम नजदीक आ चुके हैं और जिसके लगातार दूसरी ये घटना बड़ी होती है कि हथियार बरामद होते हैं, फैक्ट्रियां बराबर लगातार बरामद हो रही है, कहीं बारूद बरामद होता है, कहीं ना कहीं चुनावी जो बुगुल जो फूका गया इस तरह से की जा रही है, कहीं ना कहीं वोट को दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इस क्षेत्र में पंचायत लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि पंचायत चुनाव पर पुलिस सतर्क हो गई है और उसी कड़ी में उसने काफ़ी भारी मात्रा में हथियार को पकड़ लिया है, बरामद की गई है और कहा जा सकता है कि वाकई चुनाव के पीछे का जो मकसद है वो किस कदर खतरनाक है। तो चुनाव की बात जब भी होती है तो साम दाम दंड भेद सबको आजमाने की कोशिश की जाती है और यूपी, बाप रे बाप, भैया रे भैया, यूपी में तो किसी कीमत पर किसी भी सूरत में बस लोग चाहते हैं कि हम नेता बन जाएं, चुनाव जीत जाएं। और पंचायत चुनाव को लेकर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, कभी शराब पकड़ी जा रही है, कभी हथियार पकड़े जा रहे हैं, समझा जा सकता है कि उनकी नीयत किस तरह की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे भी बढ़ेगी लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर बढ़ाएंगे खबरों की गाड़ी को और रुकेंगे एक एक खबर के साथ हर स्टेशन पर, तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख, मैं हूं सैयद अंजैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर, रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया, अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हो तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद एन जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार, पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें, धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे, धन्यवाद। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
ब्रेक के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले जफर अहमद साहब बता रहे थे कि पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर और श्रावस्ती जिले के महाविद्यालयों को नई बनी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के से संबंध किए जाने से महाविद्यालयों के शिक्षकों में रोष फैला हुआ है। शिक्षक लगातार इसका विरोध करते नजर आए। शिक्षकों ने नेशनल हाईवे तक जाम कर दिया। आपको बता दें कि तराई का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले MLK महाविद्यालय गेट पर भी शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें 17 महाविद्यालयों के शिक्षक शामिल हुए। जब शिक्षक सड़क पर आ जाएं, तो समझा जा सकता है कि उनके अंदर किस कदर नाराजगी है। के पीजी कॉलेज को राज्य सरकार ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध होने पे हमारे MLK कॉलेज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में हमारा MLK पीजी कॉलेज है। नैक से एक ग्रेड प्राप्त है। केवल 2 जनपद को काटा गया है देवीपाटन मंडल से, एक जनपद बलरामपुर और दूसरा जनपद श्रावस्ती। जनपद बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती में केवल एक ही एडेड कॉलेज है, वो है MLK पीजी कॉलेज। यहाँ की जनता इसे तराई का आंसू उठा कर, सबसे बड़ी विषमता यह है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जुड़ जाने के बाद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के पैटर्न पर चल रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय के शिक्षकों को शोध कार्य से वंचित रखा गया। अगर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हम जुड़ जाएंगे तो हमारे यहाँ के महाविद्यालय के शिक्षक शोध कार्य से वंचित रह जाएंगे, तो छात्र भी वंचित रहेंगे और हमारा कार्य बहुत पिछड़ जाएगा। नंबर 1 के चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बेलीपार में लड़कों की छेड़खानी से तंग आकर छात्रा की आत्महत्या का मामला अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि बीती रात तिवारीपुर थाना क्षेत्र इलाके में एक दरिंदे ने छेड़खानी का विरोध करने पर मासूम को घर में घुसकर जिंदा जला डाला। सोचिए कितनी अजीबोगरीब घटना है। घायल लड़की को BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहाँ करीब 20 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद उस बेचारी की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवती ने आरोपी लड़के के खिलाफ पुलिस में पहले भी मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसमें उसकी जान चली गई। पढ़ने जाते थे, 10 में पढ़ने जाते। लड़का अभी जो है उसके पीछे कुछ दिन से पड़ा था, तो लड़की हमसे कही दादी हमारे पीछे अजीत बहुत दिन से पड़ा है। अजीत हमारे बगल ही का है, वो हमसे मिला रास्ता में, तो कहने अजीत तुम क्या कर रहे हो, अपने अपने बहन तुम्हारी लगती है। बोली उसको तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बोलने के बावजूद 5 दिन 6 दिन 6 दिन के बाद ऐसा काम कर दिया कि लड़की को बेड पर से हिट करके तुरंत दूर परत से नीचे ले आ करके उसको मट्टी का तेल छिड़क करके और सलाई वहीं है सलाई से जला करके छोड़ दिया। जब लड़की जलने लगी तब उस लड़की अरे माई कर सकता कोई। तिवारीपुर में एक केस आया जिसमें बर्न इंजरी से एक लड़की को सुबह मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। उसे पूरा जो अब तक की हमारी विवेचना है, चीज़ें हैं, इंक्वायरीज हुई हैं सारी इसमें, और पता चला है कि एक लड़की 16 वर्ष की थी, इसका उसी के कास्ट के अजीत यादव जो हैं उसके साथ संभवतः पहले से ही दोस्ती यारी थी। और ये लड़का जो अजीत यादव है ये IIT में पढ़ता है, और ये रात में जब इससे मिलने गया था, जैसा कि वहाँ के जो गांव मझरिया है जहाँ ये घटना हुई है वहाँ के लोगों से बात हुई और बाकी चीज़ें निकली हैं, तो उससे रात में मिलने गया था। तो उसने संभवतः वहाँ पे बता रहे थे जो अभियुक्त हैं कि जिद की कि मैं तुम्हारे साथ चली जाना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैं अभी तो IIT पढ़ रहा हूँ और जब पढ़ रहे हो तब बात देखेंगे, इमिडिएटली हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम दोनों का करियर ख़राब होगा। बट उसने जिद में उसने कहा कि अगर नहीं चलोगे तो मैं आग लगा लूँगी। तो वहीं मिट्टी के तेल की डिब्बी रखी थी तो उसने अपने में डाला, और जब तक ये बचाता तो इसके हाथ में भी जो है बचाने के उसमें जो है वो मिट्टी के तेल के बर्न मार्क्स आए हुए हैं। इसका हम लोग अभी मेडिकल करा रहे हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। सरपथा थाना इलाके में समोदपुर गाँव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गाँव के ही रहने वाले राम दुलार की 28 साल की पत्नी की अपने 2 बच्चों के साथ आग लगाकर जलने की घटना सामने आई। आनन फानन में ग्रामीणों ने युवती और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले महिला ने बताया था कि उसके पति ने ही उसे और उसके दोनों बच्चों को आग के हवाले कर दिया था। इस बयान के बिना पर अब पुलिस इस
मामले की जांच कर रही है कि वाकई सच्चाई है तो क्या है। ये ग्राम समूदपुर थाना सरपता तहसील सहायगंज की महिला है दुलारी, केवट जात की गरीब महिला है। आज जो है ये जलकर यहाँ अस्पताल में भर्ती हुई और उसकी डेथ हो गई। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके शादी हुए अभी बात 6 साल ही हुए हैं। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, गांव वालों का आरोप है कि उसके पति ने उसको जला के मार डाला है। उसका पति भी अस्पताल में मौजूद है, तहकीकत कराई जा रही है। और चूँकि ये दुर्घटना जलने से हुई है, दैवीय आपदा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए तहसील प्रशासन तो उससे पैसे की मदद प्राप्त नहीं हो सकती है, किंतु ऑफलाइन उसकी जो भी मदद दिया सकती है उसकी मदद की जाएगी। और अगर FIR का केस बनता है तो FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कौन मारता था जो आज जला के हमारा आदमी जला के खेते चला गया साइकिल लेके, हमको कहा था तुम डॉक्टरी में जाओ दूर करो। अच्छा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। तुम मर जाओगे, तुम बच्चा तो मैं दूसरी में हार ला लूंगी। जलाया हमारे साथ। किस चीज से जलाया था? मंटी का तेल जला। क्या नाम है आपका? मामला ऐसा था कि 108 के द्वारा जो है एक महिला जिसकी उम्र 30 ईयर थी वो और दो बर्न केस आई हुई थी, उसमें दो बच्चे थे जो 1 साल का एक था, 1 4 साल का है। 1 साल और 4 साल में दोनों बच्चे एक्सपायर कर गए हैं। जो महिला है उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। जो अपनी पत्नी को जला दे, बच्चों को जला दे, वो कोई इंसान होता है? लेकिन सच है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा के कस्बे से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और ये पूरा मामला है उसको सुनकर आप बहुत दुखी हो जाएंगे। जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। बताइए उसकी क्या गलती है? महिला ने ससुराल वालों पर अमानवीय व्यवहार का भी गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला और उसके परिजन अब इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस देश में कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर हम बांदा के इस गाँव की बात करें तो कहा जा सकता है कि बेटी जन्ना इस माँ के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। महीने पहले 1.5 महीने बच्ची भाई तो इसको मार पीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब से बच्ची हो गई तो उत्पीड़न ज्यादा कर रहे हैं। कौन लोग? सास सेमा संतोष ससुर मनीष पति इसका जेठ अवधेश ननद ममता बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बच्ची क्यों हो गई, बच्ची के बजाय बच्चा होना चाहिए लड़का। साथ ये घटना है कि इसको मारते पीटते हैं, मुँह में लत्ता ठूंस ठूंस मारते हैं, 1 लाख रुपया मांगते हैं। जब से ये लड़की हुई जब से इतना मारते हैं कि कुछ कहने जाते तब चीजें करते हैं। कौन मारता है? जेठ मारता, सास मारती, ससुर मारता है, ममता नंद मारती है। और संतोष कहता कि मारो साली को, मार कर फेंक दो और नहीं 1 लाख रुपये लावे और नहीं इसको मार मार के वहाँ तेल मट्टी का डाल कर खिंचा छुटाती है। नंद इतना मारते हैं 10 दिन से कुछ सुनाई नहीं। हम महिला थाने गए वहाँ नहीं सुनाई होती है, स्पीकर ने गए वहाँ नहीं सुनाई होती है, अपना DM ठो महिला गए वहाँ नहीं सुनाई हुई है, हमारी सुनाई कहीं नहीं होती है। काहे कुमार निकाल दिया है घर? किसने निकाल दिया? बच्ची भाई तो हम दहेज की मांग करते रहे, जब से बच्ची भाई तो मार के निकाल दी, निकालते रहे। लड़का कहने भी है बच्ची क्या है भाई। इसमें 498A क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन का जो मामला बनता है लोकल थाना दर्ज को उसमें निर्देशित कर दिया गया है, तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके सम्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर। ये जो लोग बेटा बेटा करते हैं, कई बार हमने देखा है महसूस किया है कि बेटा से ज्यादा काम आती है बेटी, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर कोई अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है, मारता पीटता है पूरे परिवार की तरफ से, तो समझा जा सकता है कि वो किस कदर स्वार्थी हुआ है बेटा के लिए, क्योंकि कई बार वही बेटा अपने बाप को घर से निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में कटी युवती की लाश बरामद की गई है। शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर चल रही है कि आखिर भाई इसके पीछे का सच क्या है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही असलियत का पता चल पाएगा। ये महिला की डेड बॉडी मिली है, सर भी नहीं है उसके और कटी है, तो
अब इसमें जांच की जाएगी कि ये सबका पंचायतनामा करके और भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, जीआरपी ले गई है, वो कार्रवाई की जाएगी। उसमें शिनाख्त भी नहीं हुई है, अभी शिनाख्त कराई जाएगी। कोई केवल संभावना के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सब स्पष्ट जांच। हमको ये जानकारी मिली कि एक लड़की यहाँ पर जिसके पैर कटे हैं और हाथ भी कटे हैं, उसके अस्तन भी कटे हुए हैं, सर भी कटा हुआ, कि यहाँ रेलवे पटरी के पास पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में टाए टाए फिस हो, लेकिन एंटी करप्शन टीम लगातार इन भ्रष्ट अधिकारियों को जरूर सलाखों के पीछे भेजने में सफलता पा रही है। ताज़ा मामला मुरादाबाद से है, जिसमें एंटी करप्शन टीम ने नगर निगम के एक अपर अभियंता को यानी सीनियर इंजीनियर को 60,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताइए, अमित जी आपसे जानना चाहेंगे, जो पैसे मांगे जा रहे थे क्यों मांगे जा रहे थे, पूरा क्या घटनाक्रम था? ये मेरा बिल था, एक मेरा एग्रीमेंट हुआ था जो 2014 में हुआ था, जिसकी समाप्ति की डेट 8/9/2015 थी, वो मैंने समय के रहते हुए पूर्ण करा दिया था काम। उसके बाद मेरे से ये डिमांड करते रहे MB करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए और बिल पास करने के लिए। कितने रुपए की डिमांड इनके पास रखी गई? मेरे इनके द्वारा 1,00,000 रुपए की डिमांड हुई थी, तो मेरा समझौता 60,000 में हुआ था। फिर आपने क्या करा जब पैसे मांगे? तो मैंने फिर कह दिया कर देने के लिए और टीम से बात कर ली। एंटी करप्शन फिर क्या हुआ, पैसे लेके आप गए इनके पास? मैं इनके पास पैसे लेके गया, इन्होंने ले लिए और जेब में रख लिए गिन के। किस चौक पे हैं ये? ये खबर एवंता नगर निगम मुरादाबाद। चार्ज है यही साई का। मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, ये आज का जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कैसे रोल में आए इसमें? हमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने नामित किया था, जो ट्रैपिंग होनी थी तो उसी में हम लोग हमारा स्वरूप गए हुए थे एंटी करप्शन टीम के साथ। तो ये जो JEE हैं नगर निगम निर्माण खंड के मुरादाबाद के, तो ये 60,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किए गए। दो अधिकारियों को नामित किया था आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, हम लोग उसी में तहत उनको आज गिरफ्तार किया गया। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार। इस समाज में यूपी बिहार की अगर हम बात करें तो बीमारियों की कोई कमी नहीं है, जिसका लोग नाम सुनते ही आधे मर जाते हैं। लेकिन उसी तरफ अगर हम देखें कि कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है रिश्वत, और एक आदमी जब रिश्वत देता है और सामने वाला लेता है तो समझा जा सकता है कि दोनों की जो स्थिति है वो किस कदर अपने आप को, समाज को, इस देश को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है, उसके बावजूद जिस तरह से अपर अभियंता साहब ने रिश्वत लेने की कोशिश की, 60,000 रुपये लेके जेब में रख लिए, उसके बाद उनकी किस्मत ख़राब थी कि वो पकड़े गए। और जब जो पकड़ा जाता है वो हमेशा के लिए बदनाम हो जाता है, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं उस पर भी सरकार का, पुलिस का, एंटी करप्शन ब्यूरो का ध्यान होना चाहिए। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना, कल फिर मिलेंगे हम बहुत सारी खबरों के साथ। तब तक लेमन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, और मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।